साथियों नमस्कार, पुनः नमस्कार आप सभी लोगों को। साथियों, अब तक हमने जो चर्चाएं की उसके पीछे मुख्य उद्देश्य हमेशा से यही रहा है कि मैं ऐसे विषयों को उठाऊं, ऐसे मुद्दों को उठाऊं और उन विषयों से संबंधित ऐसे तथ्यों को उठाऊं, ऐसी चीज़ों पे, ऐसी बातों पे चर्चा करूं जो न केवल मौलिक हो बल्कि सारगर्भित भी हो और हम लोगों के लिए उपयोगी भी हो। मेरी कोशिश रहती है कि मैं जो भी चर्चा करूं, मैं जिस किसी भी विषय को उठाऊं और जिस किसी पर भी आपसे दो चार हों, उसका लाभ आपको भी मिले और आप अपने उस लाभ को आप अपने मित्रों एवं अपने दोस्तों तक भी पहुंचा सकें। साथियों, पुरानी चर्चाओं को आगे बढ़ाते हुए आज एक ऐसी चर्चा पे हम आपसे दो चार होना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं जो हम सबों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज का अगर हम परिदृश्य देखें, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या मनोवैज्ञानिक किसी भी प्रकार का परिदृश्य देखें तो न केवल अपने देश का बल्कि पूरे विश्व का परिदृश्य, वातावरण एक ऐसा महसूस होता है कि जिसमें लगता है कि शायद उत्साह की, आकांक्षाओं की, इच्छाओं की जैसे एक लगता है कमी हो रही है या कमी महसूस हो रही है। COVID-19 या कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी के रूप में शक्ल ले चुका है, एक ऐसे ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका है, स्वयं को इसने इस रूप में फैला दिया है पूरे विश्व में, जहां पर हम सभी के लिए बल्कि मानव समाज के लिए एक बहुत ही चिंतनीय स्थिति पैदा हो गई है। आप सबों को मालूम है कि पिछले 10 महीनों के दौरान इसने जो मुकाम हासिल किया है, जो उपलब्धियां इसने हासिल की हैं, वो सभी देशों के लिए काफ़ी समस्याकारी हैं, काफ़ी चिंताजनक हैं। कोई भी देश आज ऐसी हालत है कि कोई भी देश, विश्व का कोई भी देश इससे अछूता नहीं रहा। इसने हमारे जीवन को, हमारे जीवन शैली को काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित किया है। आज की चर्चा मैं उसी संदर्भ में करना चाहता हूँ कि COVID-19 या कोरोना वायरस ने न केवल हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का, भारत का, हिंदुस्तान का, बल्कि पूरे विश्व के जीवन को और जीवन शैली को भी एक मनुष्य के रूप में अगर हम देखना चाहें तो किस रूप में इसने प्रभावित किया, क्या परिवर्तन लाए या क्या परिवर्तन करने के लिए हम लोग मजबूर हुए हैं। आप जानते होंगे मैंने अपनी दो पुस्तकें पहले लिखी है, मैं अपने तीसरे पुस्तक पर भी कार्य कर रहा हूँ जिसका नाम है फ्रीडम अनफिनिश्ड। लेकिन मैं अपने नए पुस्तक की बात अभी बाद में करूँ, मैं अपने पहले और दूसरे पुस्तक की बात करूँ। पहला पुस्तक हमारे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के लिए उपलब्ध है और दूसरा पुस्तक हमने भारत के साथ साथ, हिंदुस्तान के साथ साथ, इंडिया के साथ साथ पूरे विश्व के लिए भी लॉन्च किया था। यह करीब पिछले वर्ष नवंबर या दिसंबर में यह पुस्तक लॉन्च हुई थी जिसका नाम है डाइवोर्स निगेटिव्स। डाइवोर्स निगेटिव्स इस तथ्यों पे बात करता है, इस मुद्दों पे बात करता है कि कैसे हम अपने जीवन के निगेटिव्स को, अपने जीवन से अपनी बुराइयों को, अपने जीवन से अपने पेसिमिस्टिक जो थॉट्स हैं, एक्शंस हैं, इन्वायरमेंट्स हैं, उन सब को कैसे हम बात बाहर करें, निकालें, उसे अपनी अपने मन से, मस्तिष्क से, तन मन धन को अपने को शुद्ध कर सकें या ऐसे रूप में ला सकें जिससे कि हम कार्योन्मुख हों, अपने उद्देश्यों की ओर हम लगे रहें, अपने उद्देश्यों को पूरा करने में लगे रहें। तो डाइवोर्स निगेटिव्स, जैसा कि नाम ही बताता है, डाइवोर्सिंग द निगेटिव्स ऑफ योर लाइफ और माई लाइफ और आवर लाइफ। तो इस पुस्तक को यदि आपको मौका लगे तो ज़रूर आप लेने की कोशिश करें, पढ़ने की कोशिश करें। इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसका विवरण मैं इस अपलोड के सबसे नीचे में विवरण में जरूर दूंगा ताकि आप उसकी पुस्तक को प्राप्त कर सकें। साथियों, आज की चर्चा को आगे बढ़ाएं और अंजाम दें, इसके लिए पुनः एक बार आपको अपने तथ्य की ओर, अपने आज के टाइटल की ओर, टॉपिक की ओर आपको अग्रसर करता हूँ। आज का टॉपिक, जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि हमारे जीवन को, हमारे जीवन शैली को पूरे विश्व, वैश्विक स्तर पर देखें या राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो इसने बहुत पूरी तरीके से प्रभावित किया है। COVID-19, आज की चर्चा, आज का टॉपिक, आज का शीर्षक COVID-19 या कोरोना वायरस, राष्ट्र का जीवन एवं जीवन शैली, हम मनुष्य होने के नाते इससे किस रूप से प्रभावित हैं। COVID-19 या कोरोना वायरस, हम सभी जानते हैं कि यह अचानक अस्तित्व में आया और कुछ ही समय में पूरी दुनिया में यह फैल गया, छा गया। इसकी शुरुआत दिसंबर 2019 के अंत में चीन से हुई थी और इसने पूरी दुनिया में तेजी से अपना वर्चस्व कायम किया। काफ़ी तेजी से यह फैलता गया और नतीजा आज यह है कि लगभग 200 देशों में कायम है या काबिज है। केवल 10 महीनों में इसने लगभग 4 करोड़ या 40 मिलियन से ऊपर लोगों को संक्रमित किया है और दुनिया भर में यदि इसके मृतकों की संख्या अगर हम देखें तो करीब करीब 1.25 करोड़ या 1.20 मिलियन लोग हैं जिनकी इसके कारण से मृत्यु हुई है, कोरोना से मौत हुई है, COVID-19 से मौत हुई है। कोई भी देश इसके जाल से बाहर नहीं है। आज लगभग सभी देश इसके बुरे प्रभावों से ग्रसित हैं। लगभग हर देश
आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से पूरी तरह से पीड़ित है। यह केवल पिक्स जानता है और लोज नहीं जानता। पिक्स का मतलब यह है कि यह केवल चढ़ाव जानता है। इसको उतार, इसकी डिक्शनरी में केवल चढ़ाव है, उतार है ही नहीं। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि जिन जिन देशों में भी ये आया है, कहीं 2 बार, कहीं 3 बार, कहीं 4 बार इसने पिक्स ही देखा है, लोज इसने कभी देखा ही नहीं। इस छोटी अवधि में यहाँ तक कि किसी भी तरह के, आप जानते होंगे, एक वायग्रा, एक 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 स्टिमुलेटिंग मेडिसिन के रूप में या एक इंस्टिगेटर के रूप में, कैटलिस्ट के रूप में हम लोग कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस छोटी अवधि में ही अगर हम COVID-19 या कोरोना की बात करें, तो बिना किसी वायग्रा के इस्तेमाल के, बिना किसी वायग्रा के सेवन के, उपयोग के बिना, यह कुछ देशों में 2 बार 3 बार पिक्स ले चुका है, चढ़ाव ले चुका है, 4 बार भी ले चुका है। जिस क्षण किसी भी तरह के, किसी कोई भी देश, जिस क्षण कोई भी देश थोड़ा सा संभलता है या थोड़ा सा शिथिल हो जाता है इसके प्रति, COVID-19 और भी दृढ़ता और तीव्रता लेकर उस देश को एक अनूठे बंदी की ओर या आवरण में जाने के लिए मजबूर कर देता है। शायद यह ओलंपिक खेलों के आदर्श वाक्य का पालन करता है। ओलंपिक से हम सभी अपरिचित नहीं, सभी काफ़ी अच्छी तरह से परिचित हैं। यह हर 4 साल में होने वाली घटना है और इस COVID-19 के कारण जुलाई अगस्त में होने वाला ओलंपिक्स जो जापान में होने वाला था, यह पोस्टपोन करके 1 साल के बाद होने के लिए मुकर्रर या तय किया गया है। ओलंपिक खेलों के आदर्श वाक्य की अगर हम बात करें, जिसे शायद आप जानते हो, आप याद रखें, तो इसे, इसका शीर्षक है या इसका मोटो है, सीटीएस अल्टीएस फोर्टीएस। ओलंपिक खेलों, जो कि एक घटना है जो मानव आत्मा की एकता और विपुलता का प्रतीक है, यह ओलंपिक का सिद्धांत है, सीटीएस अल्टीएस फोर्टीएस। इन 3 लैटिन शब्दों का अर्थ होता है तीव्रतर, उच्चतर और सुदृढ़तर। सभी देशों ने अलग अलग डिग्री में अपने अपने देशों में लॉकडाउन लगाया, लेकिन कोरोना के प्रसार को रोकने हेतु कोई भी देश सफल नहीं हुआ। और शायद कोरोना ओलंपिक के इस सिद्धांत को या इस स्लोगन को या इस वाक्य को फुलफिल करता है, पूर्ण करता है। और जितना भी हम इसके बारे में कुछ भी करने की कोशिश करें, यह तीव्रतर होता गया, यह उच्चतर होता गया और सुदृढ़तर ही होता गया। यहाँ तक कि सभी देशों ने जो संदेश दिए, WMD, वॉशिंग, मास्किंग और डिस्टेंसिंग का, ऐसे संदेशों को प्रसारित करने के उपरांत भी कोई भी प्रयास इसको रोकने के लिए, इसे कंटेन करने के लिए, इससे निपटने के लिए सफल नहीं हो रहे हैं। सदियों से कठिनाइयों, बाधाओं, असफलताओं, दुखों, विपत्तियों, यहाँ तक कि मृत्यु की सच्चाई के बावजूद भी मानव जीवन को सर्वदा, सर्वथा, हमेशा से आगे बढ़ने के लिए जाना और सिखाया जाता है, सिखाया गया है। लेकिन वर्तमान पीढ़ी और इसके अदूरदर्शी, अभिमानी और अव्यावहारिक नेताओं ने ऐसे ऐसे निर्णय लिए जो सदियों पुरानी परंपराओं और प्रथाओं का उल्लंघन करते हुए मानव जाति के लिए अनैतिक और सर्वथा हानिकारक साबित हो रहे हैं। भारत कोई अलग नहीं है। जो निर्णय विदेशों में लिए गए लॉकडाउन वगैरह के, वो भारत ने भी लागू किया, लेकिन भारत ने शायद विदेशों से सबक न लेकर के अपने यहाँ के लॉकडाउन को काफ़ी स्ट्रिक्ट रखा, बल्कि और भी कई रूप में इसे प्रतिबंधित बनाया। उपरोक्त जो तथ्य हमने अभी बताए वो भारत पर भी लागू होता है। इसके वर्तमान केंद्र और राज्य के राजनीतिक नेतृत्व ने इसे अदूरदर्शी, पाखंडी और गैर लाभकारी रूप से नियंत्रित किया या इम्प्लीमेंट किया है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए उचित और प्रभावी वातावरण प्रदान करने के बजाय केंद्रीय नेतृत्व ने पूरी तरह से विनाशकारी व्यवहार किया और भारत एवं भारतीय जनता को पूर्ण, संपूर्ण रूप से भूख, गरीबी और विनाश की ओर ही अग्रसित किया है। गोदी मीडिया की मदद से संवैधानिक निकायों को भी मारने के साथ साथ अलोकतांत्रिक मूल्यों को भी बढ़ावा दिया गया है। केंद्रीय सरकार द्वारा लागू आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, देश भर में भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं एवं सहयोगियों के पक्ष में कार्यरत है। केंद्रीय सरकार के फैसलों और नीतियों का विरोध करने वालों के खिलाफ इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। यहाँ तक कि शांतिपूर्ण विरोध करने वालों और प्रदर्शनकारियों को चुप करने और चुप कराने हेतु इसके अतिरिक्त अन्य अधिनियमों, जैसे गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 आदि का भी दुरुपयोग किया जा रहा है। देश भर में भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं एवं सहयोगियों द्वारा किए जा रहे लॉकडाउन से संबंधित उल्लंघनों को आसानी से अनदेखा
एवं नज़रअंदाज किया जा रहा है, जबकि आम जनता और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्रीय सरकार की विफलताओं के खिलाफ व्यक्त असंतोष को दृढ़ता से दमन एवं दंडित किया जा रहा है। ऐसी कोई भी घटना यदि घट रही है जहां पर कि आप शांतिपूर्ण रूप से प्रदर्शन करना चाहें, तो आपके खिलाफ इन एक्ट के तहत, इन अधिनियमों के तहत आपके खिलाफ FIR दर्ज करके आपको सीधे जेल में डाल दिया जाता है। यह एक बहुत ही अलोकतांत्रिक है, विनाशकारी है, और कोरोना के या COVID-19 के प्रबंधन में और इनकी व्यवस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए इस प्रकार की जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं वो केंद्रीय नेतृत्व के लिए और राज्य सरकारों के लिए भी सुसाइडल है, आत्मघाती है। आइए अब हम एक काम करें, जो चर्चा जिस पर हम कर रहे थे, इन COVID-19 यदि राष्ट्र के जीवन या जीवन शैली की अगर हम बात करें, तो मनुष्य समाज के तौर पर, मानवीय समाज के तौर पर, तो मुख्यतः तीन रूप से यह प्रभावित करता है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तौर पर। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि अपने समाज या सामाजिक तौर पर क्या क्या परिस्थितियाँ डेवलप हुई हैं, विकसित हुई हैं, उस पर चर्चा करें। तो हम भारत को केंद्र में रखते हुए अपनी चर्चा पर ध्यान केंद्रित करेंगे और हम COVID-19 के पूर्व और उपरांत समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था जैसे तीन मापदंडों पर अपने देश के जीवन और जीवन शैली पर चर्चा करेंगे। प्राचीन भारत में स्वयं भारतीयों का शासन था। मध्यकालीन भारत में मुख्यतः मुस्लिम शासकों द्वारा शासन किया जाता था। आधुनिक भारत में यूरोपीय ईसाई शासकों द्वारा बड़े पैमाने पर शासन किया गया। स्वतंत्र भारत के 75 वर्षों के शासन में लोकतंत्रीकरण रहा। यदि हम पिछले 1947 से 2020 की बात करें, तो लगभग हम लोकतंत्र में के माध्यम से अपनी व्यवस्थाओं को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 1000 साल भारत के लिए अचानक परिवर्तनकारी रहे हैं। यदि हम देखें तो लगभग पिछला जो 1000 वर्ष गुजरा है, वो उसने काफ़ी सारे इफ्स एंड बट्स देखे हैं, काफ़ी सारे परिवर्तन देखे हैं, चेंजेस देखे हैं। भारत जो था आज वह नहीं है, इसके लिए विदेशी शासकों से अधिक कहीं भारतीय शासक जिम्मेदार हैं। मध्ययुगीन और आधुनिक भारत के दौरान जड़ें जमाने वाली सामाजिक बीमारियाँ या इच्छाओं को स्वतंत्र भारत में उल्टा किया जा सकता था या बढ़ावा दिया जा सकता था, जिससे विकास, सफलता और खुशी से भरी यात्रा पूरे देश के लिए हो, पूरे देश के मनुष्य समाज के लिए हो। गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो 75 वर्षों के दौरान हमें मिली, स्वर्णिम अवसर मिला, जो कि हम अपनी अपने ही माध्यम से शासन करके या अपने ही लिए कार्य करके जो हम परिस्थितियों को सुधार सकते थे, हमने केवल अपना समय व्यर्थ और बर्बाद ही किया है, और यह एक जो स्वर्णिम अवसर है उसे भी हमने बर्बाद कर दिया है। ऐसा नहीं, आज की जो परिस्थितियां दिखती हैं उससे ऐसा लगता है कि हम बहुत ही एक अंधे मुहाने या अंधी गली की ओर अग्रसर हैं। ऐसा नहीं है कि सभी अच्छी चीज़ें ही प्राचीन भारत में हो रही थी, लेकिन आज जो है उससे शायद वह बेहतर था। देश के सामने आने वाले संकटों के लिए प्रभावी और व्यावहारिक समाधान के अभाव में वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व के कारण वर्ष 1947 से भी बदतर खराब प्रतीत हो रहा है। भारतीय समाज ने पिछले एक या दो दशक के दौरान अधिकतम बदलाव देखे हैं या किया है, जो कि बदतर है, बदतर के लिए है। बदलाव अच्छे के लिए नहीं है, अच्छा होने के लिए नहीं है, बल्कि बदलाव जो महसूस हम कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो बदतर के लिए है। व्यक्तिगत और पारिवारिक मानवीय, नैतिक और लोकतांत्रिक और समावेशी मूल्य नीचे की ओर अग्रसर हैं या डाउनवर्ड ट्रेंड की ओर देख रहे हैं, बल्कि जो रुझान आ रहे हैं वह नकारात्मकता के परे हैं, बल्कि नकारात्मकता में, जिसे कहते हैं कि हमने छत की सीमाओं को भी, जो एक सीमाएं होती हैं उसको भी उल्लंघन किया है, उसको भी लांघ करके छतों की सीमाओं को भी पार कर गया है। 140 करोड़ की लगभग आबादी होने के बावजूद, जब हम दुनिया में आबादी के मामले में, जनसंख्या के मामले में चीन के साथ दूसरे स्थान पर हैं, भारतीय समाज जाति, रंग, पंथ, क्षेत्र, धर्म, लिंग, भाषा आदि जैसे विभिन्न मामलों पर पूरी तरह से खंडित है, विखंडित है। समस्याएं या संकट सबसे अच्छे रूप में एक साथ सम्मिलित होकर निपटा जा सकता है। कोई भी समस्या जिसे हम फेस करते हैं, जिसका हम सामना करते हैं, यदि हम एकत्रित रहें, एकजुट रहें, सम्मिलित रहें, तो उसका हम बहुत अच्छे तरीके से सामना कर सकते हैं। लेकिन एकाकी या अकेलेपन का प्रमुख रवैया इसमें पूरी तरह हमें विफल कर रहा है। आज कोई भी समस्या है, हर कोई स्वयं को अकेला पाता है, स्वयं को एकाकी पा रहा है या अकेलेपन से ग्रसित है, और नतीजा कि जो भी समस्या है, चाहे वो पारिवारिक हो या एकाकी हो, या एक व्यक्तिगत तौर पर हो या सामाजिक हो, हम उसे सामना करने में स्वयं को असमर्थ पा रहे हैं। अलगाववाद, जिसे कह सकते हैं सेपरेटिज्म, सेपरेटिज्म भी हर तरह का होता है, एक हिंसक होता है, एक अहिंसक होता है।
तो अलगाववाद ने शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से सभी को जकड़ रखा है, चाहे वो हिंसक हो या अहिंसक हो। और ये हमारे व्यवहारों में, अगर आप घर में देखें, बाहर देखें, समाज में देखें, तो आपके हमारे व्यवहारों में यह प्रतिबिंबित होता है, प्रतिलक्षित होता है। आज का समाज वन अपमैनशिप का आदि हो चुका है। मैं हमेशा ठीक हूँ, आप ठीक नहीं हैं, मतलब आप गलत हैं, मैं गलत नहीं हूँ, आप हमेशा गलत हैं, हर व्यक्ति का डिफॉल्ट रवैया बन गया है। भारतीय समाज में अपराध और अपराधियों का बेशर्मी से समर्थन किया जा रहा है। रेप यानी बलात्कार एक खतरनाक नॉर्म बन गया है और एक विनाशकारी रूप ले चुका है। जिस तरह से आज हमारे समाज में बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं, यह मनुष्य समाज के तौर पर हमारे देश के लिए, पुरुषों के लिए भी और स्त्रियों के लिए भी, यह एक बहुत ही लज्जाजनक, शर्मनाक बात है। निर्वाचित नेता और प्रतिनिधि सभी शायद बुरे और हानिकारक के लक्षण, प्रतीक और समानार्थी बन गए हैं। ऐसा महसूस होता है कि जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे जो रोल मॉडल्स हैं, वो शायद बुरी चीज़ों के लक्षण बन गए हैं, सिम्टम्स बन गए हैं, सिनोनाइम्स हो गए हैं, उनके रोल मॉडल्स हो गए हैं, जो जिससे लगता है कि इनसे बजाय समाज को कुछ अच्छी चीज़ें मिलने के बजाय बुरी चीज़ें ही ज़्यादा मिलने लगी हैं या मिल रही हैं। यहाँ तक कि महिलाएं भी महिलाओं के खिलाफ अपराधों में लगे लोगों का चैंपियन और समर्थन करती हैं, उन लोगों को चैंपियन मानती हैं जो महिलाओं के खिलाफ ही अपराध करते हैं। आज महिलाओं का भी रवैया ऐसा हो चुका है। आज असली रावण दुर्योधन और दुःशासन गलियों, सड़कों, राजमार्गों और यहाँ तक कि घरों में भी निवास कर रहे हैं और समाज को विनाश कर रहे हैं। आम लोगों के बीच व्याप्त सोच नकारात्मक, विनाशकारी, आत्मघाती और स्थापित सिद्धांतों एवं परंपराओं का उल्लंघन करती है। ऐसा महसूस होता है, जो हम देखते हैं कि निगेटिविटी पूरे समाज में, न केवल अपने देश में, अपने राज्य में, अपने शहर में, बल्कि पूरे विश्व में व्याप्त है। इस निगेटिविटी को कैसे दूर किया जाए, इसके बारे में भी हम चर्चा अंत में करें। जब मैं समाप्त करूँगा आज की चर्चा, तो मैं बताऊँगा कि इस निगेटिविटी से हम कैसे दूर कर सकते हैं अपने को, या इससे कैसे अपने को बचा सकते हैं। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अब गोदी मीडिया कहा जाता है। फेक न्यूज़ एवं फॉल्सहुड, झूठी झूठी चीज़ों को आगे बढ़ाना शायद सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा प्रायोजित, प्रसारित और प्रचारित किया जा रहा है। आज भारतीय समाज वास्तव में यथा राजा तथा प्रजा का प्रतिबिंब है। राजा ही चूंकि, या जो ऊपर बैठे लोग हैं, वही चूंकि आज हान्य चरित्रहीन बन चुके हैं, या भ्रष्टाचारी बन चुके हैं, या अपराधी बन चुके हैं, तो स्वाभाविक है कि प्रजा का व्यवहार भी लगभग उसी के सदृश है। सामाजिक भ्रष्टाचार इतने अंतर्निहित और व्यापक दोनों हैं कि भारतीय समाज एक तत्काल और त्वरित शेकअप चाहती है, जिसे कहते हैं ना हिलाना, जिसको बहुत जोर से किसी चीज़ को हिलाओ, यदि उसमें कुछ परिवर्तन आप चाहते हो, तो शायद भारतीय समाज को ऐसे ही एक शेकअप की जरूरत है, जिससे कि हम परिवर्तन कर सकें या परिवर्तन ला सकें। यहाँ कुछ नाम सामाजिक भ्रष्टाचारों के संदर्भ में यदि कुछ नाम दूँ तो कई सारे नाम छूट जाएंगे, इसलिए मैं अभी उन चीज़ों की या उन सूचियों पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। अनछुए न रहें कुछ सामाजिक भ्रष्टाचार, इसलिए मैं कुछ सामाजिक भ्रष्टाचारों को यहाँ उद्धृत नहीं कर रहा हूँ। सामाजिक वातावरण में कयामत और निराशा से भरे सभी रंगों, रुझानों और लक्षणों के सामाजिक भ्रष्टाचार आज हमारे समाज में शामिल हैं, व्याप्त हैं, वृहद रूप से अंतर्निहित हो चुके हैं, समाहित हो चुके हैं। सामाजिक भ्रष्टाचार, समाज के ऊपर जो हमारे परिवर्तन है या प्रभाव जो हुए हैं COVID-19 के कारण, जिसके कारण आज का हमारा जीवन या जीवन शैली प्रभावित है, या जिस प्रकार की जीवन और जीवन शैली हो चुकी है, उस पर चर्चा करने के उपरांत आइए हम चर्चा राजनीति के संदर्भ में करें कि आज हमारे देश की राजनीति किस दिशा की ओर अग्रसर है। चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन चुनावों के परिणाम के बावजूद भी क्या किसी समाज, किसी राज्य या हमारे देश में कोई परिवर्तन कभी महसूस हम लोग कर पाते हैं, या किया है हमने पिछले 2-3 दशकों से, उस पर आज हम अपनी चर्चा को आज आगे बढ़ाएं। भारत ने पिछले 1000 वर्षों के दौरान अपने प्रशासनिक सेटअप में भारी तबाही देखी है। घरेलू हिंदू शासक और विदेशी मुस्लिम एवं ईसाई शासक सभी इन परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार हैं। इन सभी ने प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत की अपनी यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। जहां आज भारत है, इन घटनाओं के कारण है। जो भी घटनाएं पिछले 1000 वर्षों में या 2000 वर्षों में घटी हैं, उनके कारण आज का भारत हम देख रहे हैं। भारत दुनिया भर के इन सभी शासकों के योगदान के कारण मिश्रित सांस्कृतिक विरासत मिली जुली सांस्कृतिक विरासत से बेहद समृद्ध है। भारतीय परंपराएं, भारतीय व्यवस्थाएं, भारतीय पद्धतियां या इंडियन कल्चरल सिस्टम्स की बात करें, तो भारतीय सांस्कृतिक विरासत काफ़ी समृद्ध है। इसकी तुलना के देश के किसी भी अन्य सांस्कृतिक विरासत से नहीं की जा सकती है। बहुत ही समृद्ध है, बहुत ही रिच है, जिसे कह सकते हैं वेल्दी है।
ये घटनाएं आज के भारत को बनाते हैं, जिसे हम सभी स्वतंत्रता के बाद से जानते हैं। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने एक लोकतांत्रिक सेटअप के माध्यम से समावेशी, विकासोन्मुख, समतावादी, सुदृढ़ और समृद्धि की यात्रा करने की पूरी कोशिश की। डेमोक्रेटिक सेटअप सभी को स्वतंत्रता और समान अवसर और समान अधिकारों का वातावरण देकर भारत को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास एवं उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता था। ब्रिटिश शासन से लगभग 75 वर्षों की स्वतंत्रता के बाद 2020 में ब्रिटिश शासन से जब हमें आज़ादी मिली और आज लगभग 75 वर्षों के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वर्ष 2020 में भारत सदियों से नहीं देखे गए या अनुभव किए गए संकटों से भरे चौराहे पर है। आज भारत संकटों के बीच इस प्रकार से घिरा हुआ स्वयं को पा रहा है, जिसका समाधान हमारे राजनीतिक नेतृत्व के पास नदारद है। राजनीतिक नेतृत्व इतनी क्षमता नहीं रखता, इतनी सोच नहीं रखता, इतने स्वयं को इतना संसाधन युक्त नहीं मान रहा कि वो इन संकटों से भारत को उबार सके। अतीत अपूर्ण है, वर्तमान तनावपूर्ण है एवं भविष्य अनिश्चित है। ऐसा वातावरण आज हमें दिखता है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सभी ने आज की वर्तमान स्थिति में योगदान किया है। इन तीनों ने मिलकर आज भारत जो भी है, जिस हालत में है, जिस परिस्थिति में है, जिस स्थिति में है, जिन संकटों के बीच है, इन तीनों की वजह से है, इन तीनों के कारण है। केंद्रीय और राज्य स्तर पर राजनीतिक नेतृत्व भारत को वर्तमान कीचड़ से बाहर निकालने में आवश्यक विचारों से बिल्कुल ही रहित है। राजनीतिक नेता और दल किसी भी कीमत पर, यहाँ तक कि राष्ट्रीय हितों की कीमत पर भी सत्ता के लिए वासनारत हैं, कार्यरत हैं, लालायित रहते हैं। राजनीतिक वर्ग पूरी तरह से स्वार्थी है, पूरी तरह से भ्रष्ट है। चुनाव आते हैं, जाते हैं, लेकिन राजनीतिक नेताओं और पार्टियों द्वारा यह कहकर कि सत्ता में आने पर या होने पर वे फलाना फलाना कदम उठाएंगे, सारी समस्याओं को निपटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, अशिक्षा हटाएंगे, स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारेंगे, लोगों के रहन सहन के स्तर को ऊंचा करेंगे, घोषणा पत्र तमाम राजनीतिक पार्टियां जारी करती हैं, लेकिन इनके बावजूद कुछ भी नहीं बदलता, बल्कि स्थितियां या परिस्थितियां और भी खराब हो जाती हैं, पहले से बदतर हो जाती हैं। राजनीतिक नेतृत्व भारत को भूख, गरीबी, हीनता, विनाश, कुपोषण, बेरोजगारी, आय की हानि, व्यापार हानि, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, बुनियादी सुविधाओं की कमी, महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध, भ्रष्टाचार आदि जैसे प्रमुख संकटों को हल करने के लिए आवश्यक नीतियों के बारे में बिल्कुल ही नितांत ही अस्पष्ट हैं, निष्प्रभावी हैं। इनके पास इन चीज़ों से निपटने का कोई न तो कोई इनके पास कारण है, न उद्देश्य है, न आइडियाज़ हैं, न इनके पास कोई ऐसी चीज़ है, ऐसा इनके पास विचार है, न ऐसा इनके पास इच्छा शक्ति ही है जो इन देशों, इन संकटों से अपने देश को, भारत देश को उबार सकें, अपने राज्यों को उबार सकें। विधायिका पूरी तरह से तब विफल हो गई जब उसने पिछले मानसून सत्र में वर्षों से अपनाए गए रूल बुक का उल्लंघन कर कुछ बिलों को पारित कर लिया। लोकसभा, राज्यसभा में यदि आपने देखा हो, पिछले माह सितंबर के अंतिम सप्ताह में समाप्ति से पहले लोकसभा और राज्यसभा ने जिस प्रकार से रूल बुक का उल्लंघन करके कई बिलों को पारित कर दिया, विपक्ष का उन्होंने पाए एक तरह से इग्नोर कर दिया, विपक्ष को उन्होंने एक तरह से नज़रअंदाज कर दिया, व्यवस्थाओं को नज़रअंदाज कर दिया, वर्षों से चली आ रही रूल बुक की परंपराओं को जिस प्रकार से नज़रअंदाज कर दिया, अपमानित किया या उसे बिल्कुल ही अस्तित्व से निकाल करके और जिस प्रकार से बिलों को, अधिनियमों को पारित कराया, यह एक ऐसे दिशा की ओर हमें ले जाता है जिसमें यह महसूस होता है कि शायद लोकतंत्र आज मृत सैया पर पड़ा हुआ है, या लोकतंत्र मृत हो गया है, या लोकतंत्र को हम लोग मारना चाहते हैं। भारत में संसद ने शायद अपना मूल्य, कारण और उद्देश्य सभी कुछ खो दिया है। कार्यपालिका राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निर्देशों के लिए हमेशा राजनीतिक नेतृत्व की ओर देखता है। कार्यपालिका यह देखता है कि राजनीतिक नेतृत्व क्या चाहता है, उसके अनुरूप हमेशा काम करने की कोशिश करता है या स्वयं को निष्पादित करने की कोशिश करता है। यह एक बेहतर भारत के लिए नीतियों को प्रभावी ढंग से और सफलतापूर्वक लागू करने में पूरी तरह से विफल रहा है। लगभग 75 वर्षों के दौरान यदि हम देखें तो आज कार्यपालिका ऐसा महसूस होता है, मोता होता है या ऐसा अनुभव होता है कि कार्यपालिका अपना उद्देश्य खो चुकी है, अपने होने का जो एक मौलिक कारण होता है या मौलिक उद्देश्य होता है उससे शायद वो बिल्कुल ही दूर हो चुकी है।
संसाधन संपन्न, शिक्षित और सशक्त होने के बावजूद कार्यपालिका उम्मीदों से कम कार्यरत है या उम्मीदों से कम अपने उद्देश्यों पर खरी उतर रही है। इसने हर स्तर पर आत्मविश्वास और भरोसा खोकर निर्णयों और नीतियों को निष्पादित करने के लिए आवश्यक संसाधन और इच्छा शक्ति के सकल नुकसान को ही जन्म दिया है। सब जगह पर कहीं ना कहीं कमी महसूस होती है। न्यायपालिका आज कानूनी शुद्धता के बजाय राजनीतिक शुद्धता पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है। लीगल राइटनेस या लीगल करेक्टनेस की बजाय वो पॉलिटिकल करेक्टनेस या पॉलिटिकल राइटनेस को ज़्यादा एड्रेस करने की कोशिश कर रही है या ज़्यादा पूरा करने की कोशिश कर रही है। विभिन्न अदालतों से आने वाले पिछले कुछ वर्षों के निर्णय यदि हम देखें तो आज हम एक ऐसी स्थिति में स्वयं को पाते हैं, पूरे भारतीय समाज को पाते हैं, जिसमें हमें लगता है कि न्यायपालिका या तो समझौतावादी हो चुकी है या सरकार के राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने वाले एक बैकअप प्लेटफॉर्म की भूमिका ले चुकी है। न्यायपालिका ऐसा महसूस होता है कि इसने एक एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका के रोल को भी अख्तियार करना शुरू कर दिया है और राजनीतिक यानी 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 विधायिका के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए न्यायपालिका शायद कहीं ना कहीं उनके पीछे खड़ी पाती है। ऐसी परिस्थितियां देश के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। सरकारें भी, विशेष रूप से केंद्रीय सरकार, सरकारी कल्याण या लाभ से जुड़े फैसले लेने में अदालतों के लिए जटिल और कठिन परिस्थितियों का निर्माण कर रही है। जहां पर केंद्रीय सरकार का हित सदता है वहां पर वह कोर्ट के फैसलों को लागू करती है, मानती है, और जहां भी उन्हें ऐसा लगता है कि कोर्ट का फैसला उनके हितों या उनके उद्देश्यों से टकराएगा तो वहां पर वो न्यायपालिका को इग्नोर करने लग जाती है या उसका उल्लंघन करने लग जाती है और उनके लिए जटिल और ऐसी कठिन परिस्थितियों का निर्माण करती है जिसमें कि न्यायपालिका के लिए किसी भी मुद्दे पर, किसी भी विषय पर निर्णय देना कठिन हो जाए। इसके अलावा न्यायपालिका शायद विधायिका और कार्यपालिका दोनों निकायों द्वारा उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों और निर्णयों को अपनाकर इनके जूते में अधिक स्थानांतरित हो गई है। जैसा मैंने अभी कहा कि ऐसा कभी कभी महसूस होता है कि न्यायपालिका अपने ऊपर विधायिका और कार्यपालिका के रोल को भी अपने ऊपर लाद रही है, जो कि नुकसानदेही है। सभी संवैधानिक निकाय गुणात्मक शासन और बेहतर प्रशासन के नुकसान को सुनिश्चित करते हुए अब मरम्मत से परे बेअसर हो चुके हैं। जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, संवैधानिक निकाय हैं, आज इस मुकाम पर पहुंच चुकी हैं जहां से उनके लिए स्वयं को पुनः सही रूप में अस्तित्व में लाना संभव नहीं है, बल्कि ये वो एक बियॉन्ड रिपेयर, जिसे कहते हैं ना कि मरम्मत से परे हो जाना है, सुधार से परे, जिनका सुधार न किया जा सके उससे ऊपर वो जा चुके हैं, यानी व्यवस्थाओं को परिवर्तन करने का समय शायद आ चुका है। अब यदि हम अगर अर्थव्यवस्था की बात करें, समाज और राजनीति पर चर्चा करने के उपरांत अगर हम अपने राष्ट्र के जीवन और जीवन शैली को प्रभावित करने वाले COVID-19 के संदर्भ में, कोरोना वायरस के संदर्भ में यदि तीन मानकों पर चर्चा को आगे बढ़ाएं तो अर्थव्यवस्था को भी हम चर्चा करें और पाएं कि अर्थव्यवस्था आज किस रूप में, किस हालत में अपने देश की है। हालांकि पूरा विश्व इन तीनों मानकों पर काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित है, लेकिन हमारी चर्चा अपने देश को लेकर है, भारत को लेकर है। प्राचीन और मध्ययुगीन भारत में अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत थी। भारत विश्व अर्थव्यवस्था में बहुत योगदान दे रहा था। जीवन और जीवन शैली आज की तुलना में बहुत अधिक थी, अच्छी थी, बेहतर थी। लोग ज़्यादातर खुश थे, संतुष्ट थे। अर्थव्यवस्था में ह्रास या अर्थव्यवस्था में डाउनवर्ड ट्रेंड या स्लाइड की अगर हम बात करें तो विदेशी मुस्लिम और ईसाई शासकों के हमलों के साथ शुरू हुई, क्योंकि उनका लक्ष्य आक्रमण करना और अधिक से अधिक धन लूटना और अपने देशों को वापस ले जाना था। जब तक भारत को 1947 में ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली तब तक यह विश्व अर्थव्यवस्था में 4% से भी कम योगदान देने वाला अत्यंत गरीब देश बन गया। यदि हम मध्ययुगीन भारत की बात करें तो विश्व अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान लगभग लगभग 25-30% होता था और नतीजा परिणाम यह था कि सारे विश्व के सारे देश भारत की ओर देखते थे, आर्थिक समृद्धि का अध्याय या पाठ पढ़ने के लिए भारत आना चाहते थे, भारत से संपर्क जोड़ना चाहते थे, भारत से व्यापार करना चाहते थे, व्यापारिक रिश्ते बनाना चाहते थे ताकि उनकी भी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। लेकिन 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली, उस आज़ादी की स्थिति तक, समय तक पहुंचते पहुंचते भारत की अर्थव्यवस्था 25-30% से 35% से घटते घटते लगभग विश्व अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान मात्र 4% रह गया। आज़ादी के साथ इसने अमीर, सुदृढ़ और खुशहाल होने के लिए अपनी आर्थिक यात्रा शुरू की। विकास की उच्च दर के
अस्थायी चरणों के साथ भारत की विकास की कहानी मिश्रित रही है। पिछले 75 वर्षों के यदि हम भारत के विकास की कहानी को देखें तो कुछ कुछ वर्षों को यदि छोड़ दें तो लगभग यह औसत विकास दर रही है। कहीं ना कहीं इसके नेताओं ने, इसके राजनीतिक नेतृत्व ने इसके लिए उस रूप में कार्य नहीं किया, उस रूप में अपने आप को, स्वयं को निष्पादित नहीं किया जिस रूप में भारत को आवश्यकता थी। लेकिन इसके साथ साथ यह राष्ट्रीय लक्ष्यों और उद्देश्यों जैसे भूख, गरीबी, विनाश को मिटाने को भी में भी यह विफल रहा। यहाँ का राजनीतिक नेतृत्व जो मौलिक, सबसे मौलिक बुराई थी, एक भूख और गरीबी, उसको मिटाने में भी स्वयं को उन्होंने सफल नहीं किया बल्कि असफल ही रखा। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था अन्य संबंधित समस्याओं का समाधान करने एवं भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने में कभी भी आश्वस्त न तो स्वयं को किया रखा और न देख पाई। भारतीय नेतृत्व चरम पक्षों के बीच, चरम पक्षों मतलब एक्सट्रीम्स के बीच उतार चढ़ाव करते हुए कभी भी अर्थव्यवस्था को सही रूप में आकार नहीं लेने दिया। भारत को समृद्ध और सुदृढ़ बनाने के लिए ऐसी ताकत भी नहीं हासिल की जिससे कि भारत विश्व में पूजा जा सके, सम्मानित किया जा सके या सम्मान की नज़रों से उस रूप में देखा जा सके। आज भी भारत 75 वर्षों की आज़ादी के बाद विश्व में सातवां, क्षेत्रफल के हिसाब से सातवां देश और जनसंख्या के हिसाब से दूसरा देश होने के बावजूद भी संयुक्त राष्ट्र परिषद में यह एक अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल नहीं है। अभी भी वो एक अस्थायी सदस्य ही है। पिछले कुछ वर्षों में केंद्रीय सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों ने स्थिति को और भी अधिक जटिल बना दिया है, कठिन बना दिया है। वर्ष 2020 में हमें ऐसा लगता है कि हम ऐसी स्थिति में रह रहे हैं जैसे कि हमने कमाने की अपनी क्षमता खो दी है। आज प्रत्येक व्यक्ति को इस समाज में ऐसा लगता है कि जैसे कमाने की क्षमता अपनी खो दी है। सामान्य आर्थिक वातावरण अव्यवस्थित और निराशावादी है। बुद्धिहीन विमुद्रीकरण, जल्दबाजी और अनियोजित जीएसटी और कोरोना प्रेरित अप्रस्तुत, अनप्रिपेयर्ड और स्ट्रिक्ट नेशनल लॉकडाउन, राष्ट्रीय लॉकडाउन की यदि हम बात करें, ऐसे फैसलों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित ताकत को समाप्त कर उम्मीदों की हत्या कर एक मृत कोने में ढकेल दिया है, डेड कॉर्नर जिसे कह सकते हैं। व्यवसाय समाप्त हो गए हैं, एमएसएमईज खत्म हो गए हैं, बेरोजगारी व्याप्त है, नौकरियां चली गई हैं, आय कम हो गए हैं, परिवार अपनी मेहनत की बचत खो रही है, जीवित रहने की क्षमता और प्रवृत्ति भी तेजी से गायब हो रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में अन्य देशों की तुलना में उच्चतम नकारात्मक विकास दर दर्ज कर रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 और अगले वित्त वर्ष 2021-22 दोनों के लिए आर्थिक संभावनाएं कमजोर प्रतीत होती हैं। आर्थिक मोर्चे पर इस नारकीय स्थिति के लिए स्वयं पीएम ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। वह और उनका केंद्रीय मंत्रिमंडल भारत के लिए संपूर्ण रूप से क्षय युक्त साबित हो रहा है, डिमोरलाइजिंग साबित हो रहा है। अंत में इसको, चर्चा को समाप्त करने से पहले अगर हम मुख्य बातें अगर आपको पुनः एक बार करना चाहें तो वर्तमान समय में भारत में जीवन एवं जीवन शैली महर्षि चार्वाक के सिद्धांतों पर आधारित प्रतीत होती है, जबकि भारत दैवीय एवं मानवीय गुणों से भरी गाथाओं एवं उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध रहा है। भारत ने गति और अथाह दोनों खो दिया, संभावनाओं को खो दिया है। जब तक कुछ कठोर नहीं किया जाता है यह सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से बेहद जोखिम भरा और घातक होने वाला है। केंद्रीय और राज्य स्तर पर गार्ड एवं गवर्नेंस सेटअप या सिस्टम में बदलाव की जरूरत है, क्योंकि अधिकांश राजनीतिक नेता और पार्टियां भ्रष्ट हैं, अपराधी हैं, दिशाहीन हैं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक भविष्यवादी फ्यूचरिस्टिक सेकअप और ओवरहॉलिंग के लिए विवश कर रहे हैं। एक ऐसे सेकअप की डिमांड कर रहे हैं जो फ्यूचरिस्टिक और भविष्यवादी हों, जिसमें भविष्य में भारत एक अच्छे देश के रूप में, ताकतवर देश के रूप में स्वयं को स्थापित कर सके। सच्चे अर्थों में भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए भारतीय संविधान में भी संशोधन की आवश्यकता है। भारत को नीचे दिए गए दर्शन पर विश्वास करना चाहिए और कर्मा को तथ्य प्रधान बनाना चाहिए, फैक्टम प्रिंसिपिस कर्मा को बनाना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म योग योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजयः, फलम नास्ति ध्येयम् कर्म ही अमर अवश्यमेव। हम सबको कर्म की ओर अग्रसित होना चाहिए, कर्म की ओर उन्मुख होना चाहिए, कर्म के प्रति हमेशा लगाव रखना चाहिए, तभी भारत में परिस्थितियां, व्यवस्थाएं, स्थितियां विकासोन्मुख होंगी, समृद्धिशाली होंगे। COVID-19 से लड़ने के लिए हम सब तभी तत्पर भी रहेंगे और सक्षम भी रहेंगे। धन्यवाद साथियों, इस चर्चा के उपरांत आज की बात को मैं यहाँ पर विश्राम देता हूँ और आप सबको धन्यवाद। उस भविष्य की शुभकामनाओं के साथ पुनः आप सबको धन्यवाद।